लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई लोकसभा के लिए 20 मई को चुनाव होने जा रही है। इसी सिलसिले में प्रत्याशी द्वारा जमकर प्रचार किया जा रहा है। आज पूर्व बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में उज्जवल निगम की भव्य प्रचार रैली निकाली गई। मुंबई के उत्तर मध्य सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उज्जवल निगम को टिकट दिया है। उज्जवल निगम 26/11 मामले सहित कई बड़े मामलों के वकील रहे हैं। भाजपा ने उज्जवल निगम को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही निगम अपने प्रचार में जुट गए हैं। ऐसी श्रृंखला में आज बांद्रा पूर्व में भव्य प्रचार रैली निकाली गई, जिसमें रिपाई आठवले दल के रामदास आठवले मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस रैली में महाराष्ट्र की परंपरा को दर्शाया गया। महाराष्ट्र के नृत्य, पारंपरिक खेल एवं ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई, जहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई दे रहा था। इस रैली में महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस दौरान महिलाओं से बातचीत करने पर क्या कहा महिला कार्यकर्ताओं ने, आइए जानते हैं। मुंबई लोकसभा के लिए 20 मई को मतदान प्रक्रिया होने वाली है, उससे पहले जो है प्रचार किया जा रहा है। हम है बांद्रा ईस्ट में और हम देख रहे हैं यहाँ से जो प्रत्याशी है महायुति के उज्जवल निगम, उनकी प्रचार रैली आज है और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित है। क्या बताओगी, लोकसभा चुनाव का माहौल है, रैली हो रही है और यहाँ महायुति के जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है उज्जवल निगम, और उनकी रैली हो रही है। उदय सामंत जो है शिवसेना शिंदे गुट के, वो आ रहे हैं। काफी दिग्गज नेता इस रैली में शामिल हो रहे हैं, क्या बताओ। ये रैली हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। मैं मदद से सरकार करती हूँ कि हमारे घर हमारी सुरक्षा करे, हमारे सब कुछ पढ़ाने लिखाने सब चीज का सुविधा दे, हर एक चीज का वो है। हमारे देश के लिए बेस्ट वो मोदी। आप रैली में शामिल हो रही है, क्या बताओगे, अभी चुनाव है आपके? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन करेंगे अभी। और मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, इसके लिए मोदी को वोट देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिला जो कार्यकर्ता है यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत महिलाएं जो है यहाँ पे आई है। आम्ही मोदी साठी आम्ही रैली मध्ये सहभागी झालो। हमको मोदी सरकार अच्छी लगती है, हम मोदी के साथ है। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है उपस्थित है इस रैली में, क्या बताओगे आज की रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं का सहभाग दिखाई दे रहा है। महिलाओं का पूरी तरह से मोदी जी को समर्थन है, क्योंकि मोदी जी ने जो 33% आरक्षण जो कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ सपनों में दिखाया, मोदी जी ने वो किया। महिलाओं के उज्ज्वला गैस और जो गर्भवती महिला है उनके लिए एक मानधन, और जो प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए खाऊ, उनके प्रेगनेंसी का जो खर्चा होता है वो, और उनकी जो लीव है वो मोदी जी ने बढ़ाई है। और महिलाओं के लिए हर चीज में हर तरीके से मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। उसी प्रकार हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ पे उज्जवल निगम जी, वो एक बहुत साफ सुथरी छवि के इंसान है। वो अपने राजनीति करियर में इसीलिए उतरे हैं कि उनको समाज सेवा करनी है, उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने मोदी जी का साथ देने के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए राजनीति में उतरे हैं। और हमको उम्मीद है कि उज्जवल जी के आने से मोदी जी का हाथ मजबूत तो होगा ही, और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिलेगा, उनके लिए कोई लड़ने वाला खड़ा होगा। हमको एक नेता के रूप में एक एडवोकेट मिला है, और एडवोकेट को हम अच्छे से नेता के रूप में अपना काम करेंगे। इस रैली में महायुति के सभी घटक दल के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस रैली को विजयी रैली बताया गया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस है, आणि ही आम्ही उज्ज्वल निगम साहेबांच्यासाठी ही रैली काढलेली आहे, आणि ही आमची रैली पूर्ण अपक्षाला म्हणजे विरोधी उमेदवाराला सांगून जाते की आम्ही काय करू शकतो आणि काय नाही, आणि इथेच आमची विजय रैली जसं आम्ही समजून आम्ही काढली आहे।
बांद्रा पूर्व विधानसभा वार्ड क्रमांक 92-93 परिसर में यह रैली निकाली गई, जहां परिसर के नागरिक भी रास्तों पर बड़ी संख्या में उज्जवल निगम के स्वागत में उपस्थित थे। इस दौरान उज्जवल निगम इनसे खास बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। पांचव्या टप्प्यात मुंबई लोकसभेच्या निवडणुकांचा मतदान प्रक्रिया होणार आहे। उज्ज्वल निकम हे इथं प्रत्याशी आहेत महायुतीचे आणि आज त्यांची भव्य अशी प्रचार रॅली निघालेली आहे। आपण बघतोय सर काय सांगाल, भव्य प्रचार रॅली निघाली आहे आणि महायुतीचे जेवढेही घटक पक्ष आहेत ते सर्व इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे कार्यकर्ते आहेत। काय सांगी, मोदी साहेबांचा काल मुंबईतला रोड शो झाला, लोकांचा अभूतपूर्व असा प्रतिसाद लोकांचा मिळत होता, कारण आमची महायुती भक्कम आहे। आज महायुतीचे नेते आरपीआयचे नेते रामदासजी आठवले, काँग्रेसच्या ताई, राष्ट्रवादीचे, शिवसेनेचे, मनसेचे सगळे लोक इथे आज नेते इथे एकत्र आहेत आणि लोकांच्या चेहऱ्यावरती मला फार प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे, कारण लोकांना मोदी सरकारांची गॅरंटी आवडलेली आहे आणि मोदी सरकारची गॅरंटी असल्यामुळे आम्ही आमची गॅरंटी मोदी सरकार। बिलकुल, आपण राजकारणात आला आहात, आपलं कार्य जे आहे ते वेगळं होतं, संपूर्ण देशाने आपलं कार्य पाहिलेलं आहे, वकिली पेशा होता, आता हा राजकारण आहे, कशा प्रकारे हा आखाडा बघतो? स्पष्ट बघता, मनातील आत्मविश्वास, स्वच्छ प्रतिमा ठेवली तर काही अशक्य काही नसतं, राजकारणातूनही समाज हित साधता येतो। मी आतापर्यंत वकिली व्यवसायातून समाजहित राष्ट्रहित साधत गेलो, आता राजकारणाच्या माध्यमातून समाजातील तळागाळातील माणसाच्या अडीअडचणी आणि त्यांचं निराकरण करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करणार। ज्याप्रमाणे आपण बघतोय काल मोदींची रॅली झाली, सभा झाली आणि आता उद्याला देखील तुमच्यासाठी सभा होते, शिवाजी पार्कला रॅली होते आहे, कसं बघताय सगळ्या गोष्टी? असं आहे, उद्याच्या सभेमध्ये मोदी साहेब कुठला मंत्र सांगतात, कारण असं आहे की काँग्रेसवाल्यांनी फार कोल्हेगुई केलेली आहे, मोदी साहेब आणि राजजी ठाकरे हे यांचं संयुक्त भाषण, त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र चार्ज होईल याची मला खात्री आहे। आपण बघतोय की जेव्हापासून उमेदवारी जाहीर झाली आपल्याला, त्यानंतर जो विरोधी पक्ष आहे त्यांच्याकडनं विविध इथे आरोप केले जात आहेत, आपण बघतो आहे काय सांगतो? काँग्रेसवाल्याचं बोलण्यासारखं काही राहिलं नाही, माझ्या उमेदवारीचा धसका त्यांनी घेतला आहे, त्यांच्या तंबूमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि म्हणून लोक जास्त चिडलेले आहेत आणि त्याचा परिणाम आणि त्याला प्रसाद 20 मेला मिळतो। आणि सर एक शेवटचा प्रश्न, काय जनतेला आव्हान करणार आहात तुम्ही? जनतेला मी हेच आव्हान करेल, विरोधक गोबेल्स प्रोपोगंडा करतायत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरची घटना कधी बदलवली जाणार नाही, किंबहुना हुकुमशाही पद्धत या देशात कधी येणार नाही, ही मोदी साहेबांची गॅरंटी आहे आणि तीच माझी गॅरंटी लोकांना राहील की असं काही होणार। संजय राऊतांकडनं देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदींवर टीका केली गेली आहे आपल्या भाषणात, पुन्हा बोलल्यावर सडल्याचा आणि चपराशी अशा उपमा दिल्या गेल्या आहेत, काय सांगाल? त्यांनी काय सांगितलं, ते मोठे नेते आहेत, त्यांनी कोणी फडणवीस साहेबांनी संजय राऊतांनी आणि उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस आणि नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे, पुन्हा बोलल्यावर सडत आहे नरेंद्र मोदी आणि चपराशीची उपमा फडणवीसांना दिली आहे। विरोधक जे ठेलके टीका करतात त्याला अर्थ नाही येत। तर आपण बघतोय की उज्ज्वल निकम यांची ही रॅली आहे आणि कार्यकर्त्यांकडनं ही रॅली विजय रॅली अशी संबोधल्या जात आहे। आपण आताच उज्ज्वल निकम यांच्याशी चर्चा केलेली आहे, आज ही एवढ्या भव्य प्रमाणात रॅली निघते आहे, महायुतीचे घटक पक्ष याच्यात सामील आहेत आणि आपण बघतोय की भव्य अशी ही रॅली त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये काढण्यात आली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर सोबत मी क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज मुंबई।